रुपए हो गए खाना पीना। चलो हम सड़क पे आने वाले हैं तो ले आओ, सीटों पे ले वापस पहुंच जाओ। ये ड्राइवर की सेवा हो रही है। बटन गंदे हैं सारे बटन। हेलो जी, वेलकम बैक, स्वागत है अगली वीडियो में। अभी सदम बात करी, अभी दूसरी शुरू कर रहे हैं क्योंकि सामान बहुत ज्यादा होता नहीं तो। और वैसे मेरा बहुत दिल था कि मैं इस वाले लाइट हाउस पे चढ़ूं, नजर आ रहा है पीछे, हाँ मेरी दिली तमन्ना थी कि मेरे को इस पे चढ़ना है, पर समय का अभाव है। और कहते हैं चरी बता रही है कि जहाँ हम जा रहे हैं गैस पे की तरफ, वहां पे पूरे कनाडा का सबसे टॉलेस्ट लाइट हाउस है, तो अब ये नहीं चढ़ा था वो तो कोशिश करूंगा चढ़ने की। लाइट हाउस वाला कौन सा ऑब्सेशन है? मेरा ऑब्सेशन है लाइट हाउस वाला भाई। मैं जहाँ वैसे हमें टाइम थोड़ा कम है, नहीं तो मैं सीरियसली चढ़ जाता है। इसमें सिर्फ $3 की टिकट थी क्योंकि हमने उसकी अभी तो मना कर रही थी, अच्छा तू खगड़े लिए यहाँ कर रही है, मैं भी चढ़ जाती है। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं यहाँ से। हाँ, जब हम क्रूज गए थे ना तब भी सनी को था कि वो जाली सा लाइट हाउस था, कहता इसके भी ऊपर चढ़ना है। मैं कहा तू ही जा, मैं नहीं जाना। तूने हैरी पॉटर वो देखी हो? एक मुझे ले गया था किसी लाइट हाउस पे पागलों की तरह। ऐसा छाड़ साडा जेड़ा पिंड है उत्थे टंकी है ऊपर, ए उत्थे चढ़ गया। इंडिया वाला मुकेरिया वाला पिंड, ऑटवा पिंड नहीं, मुकेरिया वाला पिंड। हाँ, मुकेरिया में मुकेरिया टंकी से चढ़ गया, लब दे नाल ऊपर जा गए। मैं कह ला लाइट हाउस बनाता है थे। लाइट हम लगाते वहां पे। खाखड़ा खाखड़ा, हेलो मेरा खाखड़ा, थैंक यू। हाँ तकलीफ बताती हूँ मैं। मेरी कौन सी है? हेलो मम्मी, ताड़ा पुत्र बिगड़ गया कंपनी चा के। सौरभ कहता है, कहती देख सौरभ इसने लार्ज पीनी है, इसने मीडियम नहीं, इसे मीडियम पीनी चाहिए। सौरभ कहता मैं भी लार्ज पीऊंगा। मैं क्या आज तक हमने कभी मीडियम कॉफी नहीं, मतलब मीडियम कॉफी लेके हमेशा हमने शेयर करी है। मैंने सनी ने आज तक लार्ज कॉफी नहीं पी, और क्या कहा इसने जवाब दिया? तो आज तक मैं गाड़ी चला रहा था, मैं आरवी चला रहा हूँ, मुझे चाहिए आरवी तो उल्टा कंफर्टेबल होती है। हाँ चलाना, कितनी मेहनत लगती है इसको संभालने में, जो जो हवा से लड़ना पड़ता है। खुद तो पीछे बैठे हो। तू आ जा, मैं चला लेनी। हेलो, हमें वहां पहुंचना है, वहां से देख के चला लियो। क्या प्यारी रोड है, सादा पूरा पानी ही पानी। यही है अभी, हाँ यहाँ से ना वो वाला एरिया सारा शुरू हो चुका है कि एक साइड पे रोड चलेगी और एक साइड पे सारा पानी पानी चलेगा, और ये एंड तक जहाँ तक हमें जाना है, जो हमारा मेन डेस्टिनेशन है इस वाले रूट का, जो कि एक गैस पे वहाँ तक पूरे रूट पे ऐसे ही है। उसके बाद वापसी कुछ रास्ता ऐसे ही चलेगा। उनमें यही नज़ारों के लिए हम यहाँ पर हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है, ये वाले नज़ारे उस साइड अपने वाले साइड पर है नहीं। ये सारा चल रहा है सेंट लॉरेंस रिवर, ये जाके मिलता है बे ऑफ लॉरेंस में, जो कि आके मिलता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। तो यहाँ से दूर तक देखो ऐसा लगता है ओशन ही ओशन चल रहा है, क्योंकि दूर तक कोई लैंड नहीं है इससे। अभी आगे जाएंगे जाते जाते बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मामला, क्लियर इन द सेंस क्या है, पक्का हो जाएगा कोई आगे लैंड वैंड कुछ नहीं है। अभी हम क्रॉस करें हैं, शहर का नाम है मताने, MATANE। तो पर अच्छा छोटा अच्छा पिंड था, पर हमें यहाँ भी कहते हैं वो नहीं मिली प्रोपेन। बट कोई नहीं, कोई नहीं, आगे चलते हैं। मेरे को लगता है बिना प्रोपेन के ही चलेगा अपना ट्रिप।
हम आए थे देखने के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट EOLE, ये एक विचित्र टाइप का विंडमिल जो फिलहाल ऑपरेशनल नहीं है। यहाँ पे अंदर एक प्रॉपर म्यूजियम भी है, हमें मैंने पहले चेक नहीं किया था कि ये 5 बजे बंद हो जाता है, यहाँ पे 6 बज चुके हैं, कल सुबह 9 बजे खुलेगा ये। बट हम तो ऐसे ही अंदर आ गए थे बाहर से देखने के लिए कि भाई कितना कैसा, मतलब मैंने देखा था किसी की फोटोज में कि ये डिफरेंट चीज है कोई, तो देखे तो सही आके। और इस इलाके में बहुत विंड मिल्स हैं, भरे पड़े हैं विंड मिल्स, पूरा हाँ विंड फार्म है सारा, सारे से विंड मिल्स ही तो आई हैं, ये पीछे भी हैं, इसलिए स्पेशल हम ऊपर चढ़ के आए थे, अच्छी है ना हवा, बहुत सारी है फ्रेश। चलो चलिए वापस बढ़िया गाड़ी में और चलते हैं आगे कैंप ग्राउंड की तरफ। जल्दी जल्दी चलो सनसेट देखना, मैं नीचे आ गया, जल्दी लदो गाड़ी में फटाफट, जल्दी जल्दी लदो लदो सनसेट देखना। चलो जी आज रात की हमारी कैंपिंग साइट, ये सामने अपने पूरा बीच है, पानी ही पानी, पानी पानी, व्यू देखेंगे सुबह, और अपना सुबह उठते ही जो अपना व्यू होगा वो होगा ये। एक हम ना बॉनफायर के लिए लकड़ भी लेके आए, वहाँ पड़ी है उसके बंदे से, हाँ। वो कहता है एक चले एक घंटा, दो चलेगी 2 घंटे, तो मैं कहा एक ले लेते हैं, कहता है एक घंटे में तो यू वॉन्ट अमोर अमोर नहीं करोगे, लव भी नहीं होगा इतने में, दो ले लो। हाँ जी माता, बहुत सुंदर है, सही है, मजा आ गया, कल सुबह जब उठेंगे ना, हाँ तब आएगा असली मजा, सूरज उतना ही उठ जाना, मेरे को वही था, मैं अच्छा किया हम निकल ही आए आगे, हाँ। क्योंकि ना हम जिस अब जहाँ तक हम पहले थे जिस रास्ते पे, वो रास्ता इतना प्रिटी नहीं था, फिर जब हम वहाँ से आगे निकले जहाँ पे आज हमने शुरू की अपनी वीडियो, जहाँ से जिस पॉइंट से रिमूस्की से, उसके बाद से रास्ता प्यारा हुआ है ना, ओह जो एक साइड पे पहाड़ और एक साइड पे पूरा समुद्र, समुद्र नहीं रिवर है बट पानी पानी, ओह क्या प्यारा व्यू, पलके नहीं झपकी मैंने तो ऐसे, ओ हाँ मैं तो मतलब कि मैं, मेरे को थकान हो जाती है रास्ते में चलाते हुए आ रही, बट आज तो पूरा मैं फुल्ली अलर्ट था भाई, नज़ारे बहुत प्यारे हैं। चलिए करिए शुरू कार्यक्रम, मैं लगाता हूँ अपना पानी का और बिजली का कनेक्शन और करते हैं आज की कार्रवाई शुरू। तो ये लकड़ा जो हमने खरीदी थी ये हमारे पास पहले से पड़ी थी किंडलवुड, ये अपना फायर पिट, मैं भी लाइट ऑन कर दूं और हम करेंगे बॉनफायर ऑन द बीच। मम्मी का डंडा भी है यहाँ पे, वो यार मम्मी का डंडा भी है, ये रहा मम्मी डंडा भी है या हिलाने के लिए, यस। अब मम्मी इंस्ट्रक्ट करेगी कि कैसे कैसे लकड़े रखनी है और कैसे चलानी है। सर ये तो ने गलत रख दिया है। चलो अब इधर, ये तो है व्यू हमारा, मतलब कुछ खास आएगा नहीं, आवाज़ ही आएगी बस, पानी पानी और ऊपर तो खैर तारे नज़र नहीं आएंगे, हमें बहुत तारे नज़र आ रहे हैं, वो देखो उधर, और वो दूर पूरा शहर, जिस शहर के किनारे हम यहाँ पे बसे हैं आज रात को, और ये हमारी RV, और ये हम हैं, ये हमारी वाइन है, और ये हमारी फायर है, और हमारी क्या हो रही है, हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी, ये मत लगा पहले वो लगा सारी, ओके मम्मी, चारों तरफ पहले वो लगा फिर ये, सो एज मम्मी सेज। आग सनी ने बिल्कुल अच्छी चला दी है,
बट मम्मी से रहा नहीं जा रहा, उंगली करनी करनी है वो देखो उल्टा करके लगाना, सीधा करना मत लगाना ऐसे। हाँ ऐसे रखो, नहीं वो गिली साइड अंदर कर दो, गिली साइड अंदर कर दो, साइड होना चाहिए। अरे मम्मी फिर कौन होता है बोलने वाला, Who are you? अबे रुक जाओ, खत्म हो जानी सारी। नहीं खत्म वो कहते मम्मी कह रही है नहीं खत्म हो रही तो नहीं खत्म हो रही नहीं पता वो सूख जाएगी। यू नेवर आर यू विद मम्मी, आज तक सूखी नहीं, अब सूख जाएगी। नहीं नहीं सेक से सूखी हुई है, सूखी हुई है देख, ओके गीली है देख, सेक से सूख जाएगी। ये देख सारी गीली नहीं, चलो आग तो लगी। हां गीली है देखो, बाकी को चल ला दे उधर जितने मम्मी कह रहे हैं, छोड़ रहा नहीं सारियां इधर नो। हां गिरा मत दियो बस मम्मी, अगर गिर गई आपका कसूर बोले से। क्या पीछे मम्मी आवाजें आ रही हैं समुंदर की हैं, लहरों की। नाइस, अब थोड़ा म्यूजिक चला जाए, हम खाना भी यहीं बैठ के खाएंगे। यस सही कहा था बंदे ने, 2 घंटे की ले ही लेनी चाहिए। मैं बैठा था, मेरे को लगा कुछ जलने की स्मेल आ रही है, समझ नहीं आया क्या जल रहा है। मैं कहा आग तो जली रही है पर और कुछ जल रहा था, मैं बाद में समझ में आया क्या जला। नजर लग गई तेरी इसको, इसने तेरी उंडी को आज उसने सुबह पहनी थी ना, मगर बड़ी जम रही है इस पे। पूरा छेद, 2 छेद हो गए इसके अंदर। चावल हमारे आ गए, लिट्टे घी सारा कुछ आ गया, बस राजमा गर्म हो रहे हैं। तश लेके आ रही है राजमा, फिर यहाँ पे बैठ के खाएंगे हम राजमा चावल। दिस इज लाइक ड्रीम कम ट्रू, राजमा चावल ऑन द बीच विद बॉनफायर है मम्मी। चलो भाई आ गए राजमा, आ गए राजमा। हल्की हल्की स्टीम है इसमें, हल्की हल्की स्टीम। हां सानू समझ नहीं आया, ऐसे बनाया कुछ ही। कैंपिंग में तो ऐसे ही होता है, कैंपिंग में ऐसे ही होता है, ये सही बात है। चावल अपने ज्यादा गल गए, वो राजमा पतले ज्यादा हो गए, पर जो नजारे हैं, नजारे नहीं ये फील जो है, फील अनबीटेबल। हां दैट्स अनबीटेबल। ये खाना पच रहा है। गोल गोल भी घूमो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हमारा बेंच। हेलो, सुहानी सुबह है, सुहानी सुबह। घर में बोरिंग होती है, सुबह की चाय हम पियेंगे आज समुद्र किनारे। वैसे घर में भी मैं सुबह चाय जो पीती हूँ ना, बाहर निकल के पीती हूँ, बाहर बैठ के। घर वाली फीलिंग आ रही है ना पूरी पूरी, घर पे भी यही होता है। और प्यारा भी और फाइनली इतने दिनों के स्ट्रगल के बाद हमें प्रोपेन फिलिंग स्टेशन मिल ही गया और हमने टैंक करा लिया फुल, जो कि हुआ मात्र $25 में।
से आरवी का दरवाजा खुला, ओहो हो हो, सामने नजारे, इस साइड भी नजारे। ऊपर लिख के तूने छ, हां कौन ये इतना जानदा ऊपर नाम, माय गुडनेस, लिखा क्या ये तो बताओ। तेरा पहले तेरी ये ठंड लगी या लड़की, लड़की पहले ठंड लगी या लड़की, आपको नहीं लगनी? मैं लड़की नहीं हूं ना। इतनी ठंड नहीं है। अच्छा क्या लिखा है? मैं तानिया लव्स एलेक्स। यहाँ पे भी वही हाल है। कहाँ लिखा तानिया? मम्मी येरा तानिया लव्स एलेक्स। ओहो हाँ। टैटनल है। तानिया लव्स। उसके नीचे है लेफ्ट साइड में उसके। ओके। ओए हम अभी कहते हैं निकले अपना जहाँ पे हमने अपना रात को लगाया था आरवी, जिस जगह पे नदी किनारे, उसका नाम था सेंट एंडेमोन। वहाँ से घंटा हमें हो चुका है चले हुए, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ से 77 किलोमीटर और आगे जाके आओ, तो हम घंटा चल के आए हैं वहाँ से। और रास्ते में मम्मी ने कहा ये पहाड़ ये नेचुरल है या काटे गए हैं, मैंने कहा उतर के देखते हैं, उतर के पता चलेगा। तो हम माता ही उतरने देखने लगी है और अच्छा हुआ रोक लिया। हाँ अच्छा हुआ रोक लिया, क्योंकि अभी ना हम एक घंटे जब से वहाँ से चले हैं ना, पूरा रास्ता ऐसे ही है कि एक साइड पे पानी और एक साइड पे पहाड़, और इतने बीच में छोटे छोटे पिंड हैं यहीं पे ऐसे ही इसी रोड पे बसे हुए। क्या प्यारे पिंड, क्या प्यारे नजारे। बस ताशु कह रही, मम्मी कहती ताशु ने कहा कि अपने पास आलू भी है, अपने पास गोभी भी है, अपने पास बेसन भी है, बेसन भी है। तो क्या बनेगा? हमारे पास तेल नहीं है। है तेल भी जरा सा ही है, सॉरी है उतना, उसमें इतना ही तेल है। हेलो तुम लोग हेल्दी हो तो शैलो खाने चाहिए, बारबेक्यू के ऊपर रख देते हैं पकौड़े, शैलो पकौड़े खाने चाहिए। हमारे पास एयर फ्रायर भी नहीं है। हाँ जी माता देख लिया कर्व्स, देख लिए कर्व्स, पहाड़ों की परतें कितने जमानों में बनी होंगी। यस अभी झरना भी और नाना झरना है। मौसम ऐसा ना हो तो मैं जाकर क्या है, तभी आगे से जहाँ भी जाओ ना पूरी गर्मी में जाओ। मनी भी लेके गया था वहाँ पर उधर उसकी तरफ वैंकूवर साइड, हाँ वैंकूवर साइड, तो भी यही मौसम सितंबर अक्टूबर था। ओहो। पानी देख के घुसने को मन करता था पर ठंडा इतना, पर ये है गर्मियों में आओ तो ठीक है। कोई नहीं, अगले साल फिर आ जाएं गर्मियों में। इतने बढ़िया नदियाँ झीले, तो बंदा डुबकी ना मार सके। वही तो, कोई नहीं अगले साल फिर आ जाएंगे हमें गर्मियों में। हाँ। गर्मियों की शुरुआत में आ जाएंगे। माना पड़ा भाई क्या होगा कि क्या मम्मी इधर देखो क्या हो, मैं बताती हूँ। गाड़ी चल रही थी, गाड़ी ने ब्रेक मारी, गाड़ी हिल रही थी और ये बाहर आ बाहर आ गया। गाड़ी मुड़ रही थी, ये इधर को जा रहा। ये आप देखो ना जी, लाची ऐसे ये लगा हुआ है इसके ऊपर, ऐसे करके थोड़ा उठा के डाल दूंगा। अच्छा, आ गया, ये करना था बस। चलो उठा के डालना है, थोड़ा सा हो गया उसके ऊपर, अब दबाना। ओहो वेरी गुड, मम्मी खुश। चलो चलो, गाइड तो इतना काम नहीं आई, बनी वीडियोस काम आ रही, गाइड की तरह सही में ये कैसे करना था, मम्मी काम आ रही है। मम्मी को पता था, मम्मी ने देखा था सारा कुछ, कैसे कैसे हुआ है, किस वीडियो में क्या था, तो ढूंढनी है पड़ी सारी वीडियोस पीछे पीछे जाके, फिर समझ में आई। फिर मम्मी ने बताया हाँ भाई इस टाइम पे ये वाली वीडियो बनाई थी, वहां पे होगा, वहीं मिला मम्मी को। हमारा आज का दिन मोस्टली निकला ट्रैवलिंग में, और हम एक कैंपिंग साइट से निकल के पहुंचे दूसरी कैंपिंग साइट में, जो की थी हमारी फाइनल डेस्टिनेशन के पास गैस पे। जो जहाँ पे हमने लास्ट रिकॉर्डिंग करी थी उस पॉइंट के बाद हमें लग गए ऑलमोस्ट 2.5 घंटे पहुंचने में मेन अपना जो डेस्टिनेशन था, जो कि है गैस पे। हाँ ये ठीक करने के लिए, उसके बाद भी हमें कितना 1.5 घंटा लग गया था, डेढ़ घंटा उसके बाद फिर लग गया था।
रास्ता तो कम था बट वो ओए रास्ता आपने जब पहले देखा था रास्ता की कहते हैं बिल्कुल एक साइड पानी एक साइड पहाड़ आई मीन लैंड। उसके बाद थोड़े बाद क्या हुआ जब हम वहां से निकले इसको टी वेलर को ठीक करके उसका पूरा रास्ता पहाड़ों के बीच में से ना वहाँ पे सिग्नल ना कुछ और इतने ज्यादा ऊपर नीचे पहाड़ स्पीड पकड़ ही नहीं पा रही थी यार भी तो बड़ी मुश्किल से उसके बाद फिर वहां से निकले। फिर हम पहुंचे जब तक पहुंचे वहां से उधर पहाड़ों का रास्ता भी अंधेरा हो चुका था रिकॉर्ड तो कुछ हो ही नहीं पा रहा था तो बस फाइनली पहुंच गए गैस पे हाँ। सब लगा लिया है सेटअप कर लिया सारा कुछ और स्टार्लिंग भी सेट हो गया। उसके बाद बस अब खाने की तैयारी हो रही है खाते हैं सोते हैं और करते हैं वीडियो समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम गैस पे।